धनबाद से बड़ी खबर आ रही है, जहां एक बार फिर हुआ वर्दी दागदार। बता दें, मामला बरवड्डा थाना क्षेत्र के बिराजपुर मधु गोंडा निवासी सुधीर शाह का डायरी माइलेज और गिरफ्तारी नहीं करने को लेकर धनबाद महिला थाना में कार्यरत एएसआई सत्येंद्र पासवान द्वारा 4000 की रिश्वत मांगा था, जिसके बाद सुधीर शाह ने धनबाद एसीबी में शिकायत दर्ज करवाई थी। आवेदक के शिकायत पर धनबाद एसीबी डीएसपी नितिन खंडेलवाल ने कार्रवाई करते हुए एएसआई सत्येंद्र पासवान को 4000 नगद घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। थाना कांड संख्या 323 में अभियुक्त हैं सुधीर साहब, उनके द्वारा आवेदन दिया गया था कि उस केस के आईओ के द्वारा उनसे जबरन रिश्वत की मांग की जा रही है। आवेदन का विधिवत सत्यापन करा करके आज 323 कांड के अनुसंधानकर्ता सत्येंद्र पासवान जो महिला थाना धनबाद में पदस्थापित है, उनको रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी जो है सदर अस्पताल के कैंपस से हुई है, वहीं पे उन्होंने रिश्वत ली और रंगे हाथ 4000 रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। 4000 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है जी। वादी सुधीर साहब हैं, 323 कांड है, उसके अभियुक्त हैं, 498 का मामला है। पैसा केस में डायरी लिखने के लिए और धमकी दे कि पैसा दो नहीं तो जेल भेज देंगे।